अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू अनदीप्स व्लॉग। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये जी बहुत ही खूबसूरत मंज़र सुबह सुबह का, बादल हैं थोड़े थोड़े और जो है वो बहुत खूबसूरत। ये जो पीछे राली नज़र आ रही है ना, ये जो है वो ऐसे ऐसे सूरज अभी जो है वो निकल रहा है, अभी तक सूरज निकला नहीं है। आज है जी संडे, और संडे का दिन हमारा कैसा जाता है, रहिए मेरे साथ और देखते हैं जी क्या क्या होता है आज पूरे दिन में। संडे हो और कपड़ों की धुलाई ना हो, ये तो हो नहीं सकता जी। मेरे कपड़े धुल गए, लास्ट में बारी आई बेडशीट्स की, वो भी। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे तमाम वर्किंग मोमेंट्स का ना एक ही है, सैटरडे संडे हम लोगों का ऐसे ही गुजरता है। कपड़े धो लो, अभी तो दो लौट जाओ, वो जो सुबह के धुले हुए थे वो तो सूख भी गए, अभी उनको जो है वो शाम में फिर मैं तय कर दूंगी। तो ऐसे ही जाता है जी संडे हमारा। तो यहाँ बन रहा है जी मिल्क शेक, बच्चों को लग गई थी भूख हल्की फुल्की, तो खाना बनने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो उनको जो है वो मिल्क शेक बना के दिया। अब एक जो है उसको मिल्क शेक पीना था, दूसरे को कुछ और खाना था, तो साथ साथ जी सबकी फरमाइशी प्रोग्राम भी चलते हैं और संडे को ही चलते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हैं, तो संडे वाले दिन फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं सबके, वरना तो पूरा वीक जो है वो बिज़ी जा रहा होता है बहुत, तो बस भागम भागम काम कर रहे होते हैं। तो संडे को बच्चों को भी मौज लगी होती है कुछ ना कुछ, तो ये चलता है जी। कपड़े धोने के बाद जी लगी है बहुत ही ज़्यादा भूख, तो खाना बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा कि ये थोड़ी सी चाट खा लेती हूँ। चाट असल में बनाई थी कल शाम को, तो उसमें से बच गई थी। और अच्छा पता है जब एक दिन पहले आप चाट बनाते हो उसमें से जो बच जाती है ना, वो दूसरे दिन खाने में अपने ही उसका मज़ा होता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह जो है वो दूसरे दिन जो है उस चाट को खाना। आप लोगों में से जिसको पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद जी खाने की करेंगे तैयारी हम, और खाने में जी आज क्या बनेगा, आज बनेगी मिक्स सब्ज़ी। और क्योंकि सब्जियां खिलाना ना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, अगर आप एक कोई चीज़ बनाते हैं ना तो बच्चे मुश्किल से खाते हैं, तो फिर ये होता है कि चलो उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ दो तीन सब्जियां मिक्स कर दो तो वो लोग खा लेते हैं। तो इसके बाद जी बनाते हैं जी अपनी सब्ज़ी, और देखिए कैसी बनती है जी हमारी सब्ज़ी। यहाँ जी टाइम हो गया है दोपहर के खाने का, और मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। सबसे पहले ये प्याज चॉप हो रहे हैं, और ये चॉपर बहुत ज़बरदस्त है। इसकी एक ना डिटेल वीडियो आपको मैं बताऊँगी बना के कि मैंने ये कहाँ से लिया, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें जो हैं वो चॉप हो जाती हैं। तो प्याज मैंने चॉप कर लिए जी। और मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए जी सबसे पहले हम प्याज डालेंगे देसी में, और उसमें तकरीबन अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल 3 से 4 चम्मच जाते हैं वो मैंने डाले। और इसके बाद जो है वो प्याज ब्राउन होने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें लहसुन अदरक डालूँगी और बाकी मसाले डालूँगी, और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। ठीक अब जी मेरे पास एक टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक है आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी है, और 2 चम्मच जो है वो मेरे पास सुरख मिर्च है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसे ब्राउन हो गए हमारे, मैंने जो है वो टूटा हुआ डाला है, मेरे पास पिसा हुआ ख़त्म हो गया, टूटा हुआ या पिसा हुआ कोई भी डाल सकते हैं। डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मिक्स सब्जी में जी मेरे पास है गाजर,
आलू और मटर, इसके अलावा और भी आप सब्जियां डाल सकते हैं, जो जो सब्जियां आपके घर वालों को पसंद है आप डालें। मैं सिर्फ ये तीन सब्जियां डाल के जो है वो बनाती हूँ। इसे मैंने दो आलू ले लिए हैं, आधा आधे से एक कप मटर है और दो गाजर है मेरे पास। तो अब ये जो है हम मसाला हमारा देखिए रेडी हो गया मसाला हमारा, और इस मसाले में हम डाल देंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी मटर की, मटर फ्रीज थे मेरे पास, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और वैसे तो ये गाजर का अपना पानी ही इतना होता है कि उसमें ये सारी चीज़ें गल जाती हैं, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल, ठीक है जी। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी 10 से 15 मिनट में। मैंने ना 5 मिनट बाद इसको देखा था, तो मेरी गाजर है ना इतना पानी नहीं छोड़ा था, तो इसलिए मैं जो हूँ इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम, आधा कप जो होता है ना उससे भी थोड़ा कम, क्योंकि जब जाएंगे तीनों सब्जियाँ ऐसी है ना कि वो फटाफट गलने वाले। तो अब इसको ढक के तो मैं जो है कलर देखें आप, इतना प्यारा कलर था, फ्रेश जो होती है ना मिक्स सब्जी की सबसे मज़े की बात मुझे लगती है, उसका कलर बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है हमारी। वाह ज़बरदस्त कलर, आप चेक करें तो कलर कितना प्यारा है। अब जी इसमें हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला। मैं जो हूँ वो करती हूँ इसका नेशनल का गरम मसाला यूज़, आप घर में पीसा भी कर सकते हैं और आप जो है वो शान का या किसी का भी कर सकते हैं। मुझे नेशनल वालों को पसंद है तो मैं नेशनल का गरम मसाला डाल देती हूँ। अब हम इसको ढक देंगे जी 2 मिनट के लिए, दम देंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।